नमस्कार, मैं हूं आकाश। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। एमएलसी चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच होगा एमएलसी का स्नातक चुनाव। आगामी 1 दिसंबर को जिला मुजफ्फरनगर में मेरठ मंडल स्नातक एमएलसी चुनाव होने हैं। इस एमएलसी चुनाव को लेकर कई राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं इस एमएलसी चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने भी पूरे इंतजाम कर लिए हैं। चुनाव में लगे ड्यूटी कर्मचारियों को चुनाव के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं इस एमएलसी चुनाव के संबंध में एसडीएम प्रशासन अमित सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 1 दिसंबर एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव को लेकर हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं और इसी के साथ साथ कोविड-19 महामारी को लेकर भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है। हमारी पोलिंग तैयार है, कोरोना किट तैयार है। इस चुनाव को लेकर 13 सेक्टर मजिस्ट्रेट व 5 जोनल मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं। मतदाताओं के लिए हर बूथ पर कोविड-19 का डेस्क लगाया गया है। कोविड को देखते हुए हर कमरे के बाहर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो मतदाताओं को थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ सैनिटाइजर का भी कार्य करेंगे। विकास भवन से पोलिंग पार्टियां चुनाव के संबंध में संबंधित सामान को लेकर पोलिंग स्थान को रवाना होंगी, जो चुनाव के पश्चात सामान को वहीं विकास भवन में लाकर सुरक्षित रखेंगे। मतदान के दौरान अगर कहीं भी कोई भी असुविधा होती है, असुविधा की सूचना आती है, तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित मतदाता कर्मी हैं, जो इस चुनाव को पूरा कार्य में सहयोग करेंगे। प्राइम न्यूज 24 से विशाल प्रजापति, मुजफ्फरनगर की रिपोर्ट। चुनाव किस तरीके तैयारी है सर? पूरी तैयारियां हैं, हमारे पोलिंग पर्सनल तैयार हैं, उनका सामान तैयार है, कोविड की किट तैयार हो चुकी है, जो इनको सामग्री है वो तैयार हो चुकी है। 13 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे हैं, 5 जोनल मजिस्ट्रेट लगे हैं। मतदाताओं के लिए हर बूथ पे हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। कोविड को देखते हुए हर कमरे के बाहर एक ड्यूटी लगाई गई है, जो मतदाताओं के लिए सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनर की जांच करेगा। इसके अलावा जो हमारे विकास भवन से पार्टियां रवाना होंगी, वहीं सामान जमा होगा। 15 बसों की व्यवस्था की गई है, वीडियोग्राफी की व्यवस्था है, सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो हमारे पोलिंग पर्सनल्स हैं, उनके लिए लंच और उनको रात में वहां रुकने के लिए जो भी एकोमोडेशन है, जिसमें रजाई है, गद्दा है, कंबल है, इसकी भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जितने भी हमारे पोलिंग जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, उनको भी सूचना दे दी गई है कि जो कोविड पेशेंट होगा वो मतदान से एक पहले घंटे स्वास्थ्य परीक्षण में प्रतिभाग कर सकता है। इसके अलावा यदि कोई सिम्टोमेटिक मरीज आता है तो उसके लिए भी हर बूथ पे एक हम पीपी किट दे रहे हैं, ताकि किसी प्रकार से जो है पोलिंग पर्सनल को कोई संक्रमण ना हो। हर पोलिंग पर्सनल को फेस शील्ड, मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स दिया जा रहा है। मतदाताओं के लिए भी अलग से हम ग्लव्स की व्यवस्था कर रहे हैं, अलग से मास्क की व्यवस्था कर रहे हैं। इस प्रकार से पूरी हमारी तैयारी। सर, अगर कोई अधिकारी इस बीच में टाइम पीरियड में कोविड पेशेंट निकल जाता है तो? हमारे पास अधिकारियों में भी सेक्टर, जोनल, पोलिंग पर्सनल सब रिजर्व ऑलरेडी हमारे पास एक्स्ट्रा बैकअप में है। यदि कहीं भी कोई इमरजेंसी आती है, कोई घटना होती है, हमारे पास एक्स्ट्रा अधिकारी और कर्मचारी मौजूद है। सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा के लेकर जो SOP है इलेक्शन कमीशन का, उसके लिए कप्तान साहब ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। एक बूथ वाले पे जितना फोर्स है, 2 बूथ वाले पे फोर्स है, सारे फोर्स का डिप्लॉयमेंट जो है वो जारी हो चुका है। सब अपने अपने टाइम पे 1 तारीख को मतदान के समय रहेंगे।